तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों आज हम एक और भर्ती लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है दोस्तों, ये दिल्ली फॉरेस्ट की भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, दिल्ली फॉरेस्ट में बम्पर भर्ती निकल कर सामने आई है। इस वीडियो में जानेंगे इसकी विस्तार से जानकारी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आवेदन कहाँ से करना है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ITI से जुड़ी हर छोटी बड़ी वैकेंसी की जानकारी के लिए, साथ ही साथ फ्री TET थ्योरी की क्लासों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले पद कितने हैं, आयु कितनी है, पोस्ट वाइज सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, फिजिकल में क्या क्या होगा और कैसे होगा फिजिकल दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं और आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इस बारे में जानेंगे विस्तार से। और दोस्तों साथ ही साथ योग्यता की बात कर लें तो यहाँ पर 10th मांगी गई है और बाई यहाँ पे ITI लग गया बाई मिस्टेक, यहाँ पे 10th और 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए पोस्ट हैं और यहाँ पे ITI वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यदि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा www.thevirallistedy.com। ये लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और YouTube के थंबनेल में मिल जाएगी। तो यहीं से बताएंगे अपन फॉलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और क्या है इसकी पूरी जानकारी, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए गूगल क्रोम ब्राउजर में। आपको सिर्फ सिंपली इसी में आना है और सिंपली टाइप करना है www.thevirallistedy.com। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे डेस्कटॉप साइड, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। और दोस्तों इसको यहाँ से आपको सबसे आसान तरीके से जानकारी मिल जाएगी बिना कोई डाउट के। दोस्तों लाइव प्रूफ करके बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिंपली पहली पोस्ट में क्लिक करना है, DRDO टैग ये लिखा होगा दोस्तों यहाँ पे SEPTEM09, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। माफ़ कीजिए थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, यहाँ से खुलेगा और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए, ये लिखा आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ITI से जुड़ी हर वैकेंसी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आवेदन कैसे करना है, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। जो भी अभी वैकेंसी चल रही हैं, हाल ही में निकली हुई हैं, इन सभी की जानकारी दोस्तों एक ही जगह पर मिल जाएगी। यदि आपने इनमें से अभी तक किसी का फॉर्म फिल नहीं किया तो आप इनमें से किसी को भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी साइट से आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अपन बात करेंगे दिल्ली मेट्रो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो आपको देखा जाए, माफ़ कीजिए दिल्ली फॉरेस्ट के संबंध में, दिल्ली फॉरेस्ट भर्ती 2020, यहाँ से करेंगे अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड। तो दोस्तों यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आवेदन यहाँ से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल करेंगे अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड, तो चलिए क्लिक हियर पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने खुल के सामने आएगा और यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे वैकेंसी नोटिस आया है दोस्तों, और डेट आप देख पा रहे होंगे बाय यहाँ पे 27/12/2019 की ये डेट है दोस्तों। और यहाँ पे फॉलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, आवेदन कब से स्टार्ट होने यहाँ पे आप देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं, 14/1 से आवेदन स्टार्ट होंगे और 13/2/2020 तक इसके आवेदन चलेंगे। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है दोस्तों। वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ पे वैकेंसी पद का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसी निकली है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली है, वाइल्ड लाइफ गार्ड की वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो यहाँ पे सभी में अच्छी खासी भर्ती निकली है। फॉरेस्ट रेंजर की बात कर लें तो यहाँ पर 4 पद निकले हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 211 पदों पर ये भर्ती होने वाली है और 11 पद रहेंगे वाइल्ड लाइफ गार्ड के। तो दोस्तों यहाँ कैटेगराइज पोस्टों की बात कर लें तो जनरल के लिए फॉरेस्ट रेंजर में 3 पोस्टें निकली हैं, मतलब इसमें SC ST और OBC किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है और OBC के लिए एक सीट पहले से ही रिजर्व है। अब फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लें तो यहाँ पे 88 पद जनरल के लिए निकले हैं, SC वालों के लिए 30 पद हैं, ST वालों के लिए 15 पद हैं और दोस्तों OBC वालों के लिए 57 पद हैं और EWS वालों के लिए 21 पद हैं। इस प्रकार से दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है EWS वालों के लिए भी। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बात कर लें, वाइल्ड लाइफ गार्ड में दोस्तों यहाँ पर टोटल 11 पद हैं, यहाँ पर जनरल के 4 पद हैं, SC के 2 पद हैं, ST का 1 पद है, OBC के 3 पद हैं और EWS के लिए 1 पद है। इस प्रकार से दोस्तों टोटल पदों की संख्या जो रखी गई है 226 रखी गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल साइट है, आप इस पर भी जाके इसको विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी साइट से विजिट कर सकते हैं। ये रहा मेन नोटिफिकेशन दोस्तों, यहाँ पर इस पर विस्तार से जानकारी मिलेगी। 14 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 13 फरवरी लास्ट डेट होगी। टेंटेटिव डेट की बात कर लें, ऑनलाइन टेस्ट की बात कर लें तो दोस्तों 12 और 13 मार्च को ये टेस्ट होने वाला है दोस्तों। अभी आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फॉरेस्ट रेंजर की बात कर लेते हैं, सबसे पहले फॉरेस्ट रेंजर में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड पे जो अच्छा खासा मिलने वाला है, 35,400 से स्टार्ट होकर 1,12,000
₹100 तक इसमें आपको पे स्किल मिल सकता है दोस्तों। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें, फॉरेस्ट रेंजर की बात कर लें, तो यहाँ पे दोस्तों बैचलर डिग्री मांगी गई है इन साइंस। बैचलर डिग्री आपकी साइंस में होनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट को मैंसन करके रखा है। आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी मैंने बता दी, 4 पोस्ट हैं जनरल के लिए, 3 पोस्ट हैं, एक उपाध्याय है जो ओबीसी के लिए है। यहाँ पे एससी एसटी वाले भी आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें फिजिकल की बात कर लें, तो दोस्तों फिजिकल के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। मेल के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। चेस्ट की बात कर लें, तो मेल के लिए 84 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। फीमेल की बात कर लें तो 79 और फूलने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपन फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें बहुत अच्छे खासे पद निकले हैं दोस्तों। मैं ही रिकमेंड करूंगा कि इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें पेमेंट की बात कर लें, तो 5200 से 20200 के बीच में इसमें पेमेंट रखी गई है। ग्रेड पे की बात कर लें तो 2000 यहाँ पर लिखा है। इसके बाद दोस्तों एज की बात कर लें, तो यहाँ पे मैंने जैसा कि थंबनेल में ही लिखा था, एज यहाँ से मांगी गई है 18 से 27 वर्ष, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और किसी भी स्टेट से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात कर लें, तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी, बस इतना ही मांगा गया है। तो आपके पास यदि 12वीं है, आपको हिंदी का नॉलेज है, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें हाइट 163 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर वही रखी गई है दोस्तों। सीना की बात कर लें, तो वही सीना है इसमें 84 और फुलाने के बाद 5, 79 और फुलाने के बाद 5। तो दोस्तों इस प्रकार से पदों की संख्या मैं पहले ही बता चुका हूँ, 211 पद हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आगे वाइल्ड लाइफ गार्ड की। दोस्तों वाइल्ड लाइफ गार्ड में यहाँ पे एज वही रखी गई है 18 से 27 वर्ष, एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इन्होंने देख रखा है। और यहाँ पे योग्यता की बात कर लें, तो यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या सिर्फ 11 है, तो मैं ही रिकमेंड करूँगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप इसमें आवेदन करें, अच्छे खासे पद हैं। 211 पदों पर ये भर्ती निकलने वाली है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का दिया गया, ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष का दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें, तो यहाँ पर फीस जो लगने वाली है दोस्तों मात्र ₹100 आल कैटेगरी फॉर द पोस्ट। दोस्तों यहाँ पर मात्र ₹100 लगने वाले हैं, और फीमेल और एससी एसटी वालों के लिए फॉर्म बिल्कुल भी फ्री रहने वाला है, नो फीस दोस्तों। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। अब दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले क्या बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें 211 पद निकले हैं। इसमें 2 स्टेज होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज में दोस्तों सिलेबस ये रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फर्स्ट स्टेज में जनरल इंटेलिजेंस प्लस रीजनिंग दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर की आने वाली है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 40 नंबर की आने वाली है, 40 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात कर लें, तो यहाँ पर 40 नंबर का क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन की बात कर लें, तो यहाँ पर 40 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज और कंपैरिजन से क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी लैंग्वेज और कंपैरिजन से भी 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो रहे पेपर रहने वाले 200 नंबर का रहेगा, और 200 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके लिए टाइम मिलने वाला है सिर्फ 2 घंटे। तो दोस्तों आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज की, फिजिकल टेस्ट होने वाला है सेकंड स्टेज में, जिसमें हाइट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, हाइट और चेस्ट आप लोगों को बता ही चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों ये आप याद रखिए कि इसमें जो फिजिकल होना है दोस्तों ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा 4 घंटे में। ये सिर्फ मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, यदि फीमेल की बात कर लें तो 4 घंटे में आपको 16 किलोमीटर पैदल चलना है दोस्तों। यहाँ पे देखा है 4 आवर 20/16, तो दोस्तों मेल के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर में पैदल चलना है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। फॉर वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात कर लें, तो यहाँ पे भी लगभग सिलेबस वही रखा गया है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों, यही सिलेबस है। फॉरेस्ट रेंजर की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर पे एक बार अपन देख लेते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर में थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट से यहाँ पे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों
25 नंबर के ये रहेगा और 25 नंबर का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहने वाला है। इस प्रकार से टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको टाइम जो मिलेगा 3 घंटे का मिलेगा। और सेकंड स्टेज में दोस्तों, सेकंड स्टेज लगभग सेम ही है, यहाँ पर 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है 4 घंटे में। तो दोस्तों, आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हों, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। और दोस्तों, यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप इसका आवेदन करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस पर बेस्ड, इसके सिलेबस पर बेस्ड आपको रेगुलर वीडियो की सीरीज मिल जाएगी यदि आप कमेंट करते हैं तो, क्योंकि दोबारा स्टडी कमेंट वीडियो इज बेस्ड ऑन आवर डिमांड। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू वैकेंसी के साथ, एक न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।